सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप कौशिक सोनू के साथ आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज 16 में। साथियों, जिस प्रकार से आप लगातार जो वीडियोस हमारे देख रहे हो, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और साथियों, आज पहुंचा हूं गांव मांडोला में, और जहां पे एक भव्य मंदिर बना हुआ है, बाबा केसरिया का धाम जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसान हैं, वो सभी इकट्ठा हो रखे हैं। जानेंगे क्या वजह है इकट्ठा होने की, तो बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें राम राम कर दो। सभी दर्शकों को इंडियन न्यूज की तरफ से राम राम। मेरा तो सर, ये बताएं मेरे को, जो आप इस मीटिंग को लेकर आज यहाँ पे बैठे हो, क्या कारण है इस बात का? ये जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, यहाँ नहर का कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से तक ये मांग पहुँचाते हैं कि यहाँ की नहर की व्यवस्था की जाए। सर, आज के पिछले 2-4 दिन के अंदर एकदम से नीचे गया है, या पिछले काफी समय से ये धीरे धीरे काफी समय से परेशानी होती जा रही है? तो इस पे क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने लिया, सरकार को क्या कुछ गाइडलाइंस आप लोगों ने दी? हमने हुड्डा सरकार में यहाँ 16 गांव की पंचायतों ने, जब महेंद्रगढ़ में उन्होंने मीटिंग की, सभा की हुड्डा ने, 2013-12 की बात होंगी तकरीबन, उस समय भी हमने 16 गांव ने उनको लिखित में दिया था, सभी पंचायतों ने साइन कर कर, लेकिन उस सरकार ने भी अभी नहीं सुनी। मतलब 2012-13 के दौरान हुड्डा सरकार में आप लोगों ने मीटिंग की थी 16 गांवों की, महेंद्रगढ़ में, यहाँ मांडोला में करके, मांडोला में मीटिंग की थी। वहां पे उनको जो पत्र सौंपा था सभी पंचायतों के द्वारा, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी। फिर आगे क्या कुछ प्रोसेस रहा? अब हम फिर बीजेपी सरकार के में इस इकट्ठे होकर, मतलब 2012-13 के बाद शांत हो गए? हमने इंतजार किया कि सरकार ये काम करेगी, इसलिए हमने आने वाले समय में उस सरकार को वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया, ताकि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की चारों सीट बीजेपी को इसीलिए दी कि आने वाले समय में हुड्डा सरकार ने हमारी पानी की नहीं सुनी तो बीजेपी सरकार सुनेगी। लेकिन इस सरकार ने भी 5 साल में कोई चेत नहीं किया, 5 नहीं कह सकते, 6 साल लगभग साल हो गए, अभी दूसरा शासन इनका आ गया। यहाँ तक कि चौटाला सरकार भी इसमें शामिल है, जितनी भी पार्टियाँ यहाँ की हैं अब वो इसमें शामिल हो चुकी हैं, उसके बाद भी हमारी यहाँ नहर का कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ का किसान 16 गांवों में किसी तरह का नहर का कोई पानी का किसी भी प्रावधान नहीं है अब तक, और जल स्तर है वो। सिर्फ सरकार को आदेश ये बताया, किसी को नेता को बोल दिया, या कोई सरकारी दस्तावेजों के साथ कोई कार्रवाई भी की? नहीं, ये तो पंचायतों ने यहाँ से केवल यहाँ के विधायक और हुड्डा साहब को ही पत्र सौंपने का काम किया, ऐसा उन्होंने और कहीं कार्रवाई नहीं की, ऐसी कोई कार्रवाई खास नहीं की। और कोई परेशानी नहर के अलावा? बस हमारा किसान को नहर मिल जाए, पानी मिल जाए, वो फिर इतने, हमारा किसान बहुत मेहनती है। लगभग कितना एरिया आपके गांव की, कितनी पॉपुलेशन है वो किसान कृषि पर आधारित है? हमारे गांव की तकरीबन 80% किसान है वो जमीन इस पर आधारित है, जमींदारा पे आधारित है। यहाँ तक कि ये 16 गांव बताए गए हैं, इन 16 गांवों की 80-85% है वो जमींदारा पे आधारित है। कौन कौन से गांव हैं 16 में? 16 गांव में जेरपुर, मांडोला, नांगलमाला, उशनापुर, राजावास, बलाना, ढाढोत, 16, ये सभी गांव यहाँ इस एरिया के जो हैं, जिनकी बार बार मीटिंग हो चुकी, यही गांव हैं जिनके पानी का स्तर 1000-1200 फुट नीचे जा चुका है, जबकि हर किसान 4-4, 5-5, 6-6 बोर कर चुका है, मुश्किल से 10% बोर ऐसे हैं जिनमें पानी सही चल रहा है। अभी आप सरकार से, आपने क्या आग्रह किया था 2012-13 में भी, और आज क्या कर रहे हैं भाई, सरकार क्या करे आपके लिए? हमारे लिए केवल एक नहर का पानी यहाँ कर, नहर यहाँ से निकाली जाए इन गांवों में से, ताकि जल स्तर थोड़ा बहुत ऊंचे आ जाए और नहर से भी हम सिंचाई कर सकें। तो यहाँ आसपास नहर कहाँ से जा रही है? हमारे यहाँ आसपास नहर कोई नहीं है, एक कुरहावटा से जो निकली हुई पालड़ी पणियारा पाली होते हुए, इधर इन 16 गांवों में किसी प्रकार के नहर का कोई लिंक नहीं है, न तो छोटा कोई खड़िया है न कोई बड़ी नहर है। नहर नहीं बनाई जाए या कोई नहर है उसको इधर लाया जाए, ऐसा कोई क्या है? यहीं से कोसी भी नहर में से कोई खाड़िया दो या बड़ी नहर दे दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो छोटा मोटा जो भी खाड़िया हमें दिया जाए तो हम उससे हमारा गुजारा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप सुन रहे हो कि आसपास कोई भी नहर या खाड़िया जिसको बोलते हैं, छोटी नहर होती है, वो नहीं है, जिससे जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, और 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं और उनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। पानी कहते हैं कि 10% जो बोर हैं वही सफल हो रहे हैं, बाकी 90% आपको पता है एक बोर में 5-7 लाख रुपये खर्चा लगता है, और उसमें पानी ना हो तो फिर क्या हाल होगा, और वो भी किसान का, मोटे आदमी का ना हो तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी चल रही है, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सभी, आप मीडिया कर्मियों के, मेरे ग्राम से आए हुए सभी बुजुर्ग नौजवान सभी का मेरा हार्दिक निवेदन है। धन्यवाद जी, ये बताएं क्या परेशानी चल रही है? हमारी परेशानी यही है सर, जो आज ये 16 गांव इकट्ठा होने जा रहा है, उन एक किसान की नहीं सभी किसानों की जो पानी की समस्या बनी हुई है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है,
तो उसी के देखते हुए आज यहाँ 16 गांव इकट्ठे हुए हैं। और आपकी इंडिया न्यूज़ से हमारा इस चैनल से ये आह्वान करते हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार तक हमारी ये मांगे पहुँचे और उसको पूरी करें। तो अभी आज की जो स्थिति है, बताया गया था कि 2012-13 में सरकार को कहा था, बताया था कि भाई हमारा जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है, उन बातों को आज 7 से 8 साल हो गए, तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखो जी, हमने उस टाइम भी ये अपना संज्ञान में डलवाया था काफ़ी जमींदारों की परेशानी देखते हुए, लेकिन वो संज्ञान में सरकार ने अपने संज्ञान में डाला नहीं। तो अभी 16 गांव इकट्ठे होके, मेरे हिसाब से अगर 16 गांव जाके महेंद्रगढ़ में इकट्ठे होके बैठ जाए तो अगले 10 दिन में ही काम हो जाएगा। यदि हमारी अब यहाँ नई सुनवाई होती है तो आने वाले समय में हम महेंद्रगढ़ भी बैठेंगे, और इस चीज़ को हम आपके माध्यम से, मीडिया कर्मी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आगे तक बढ़ाएंगे ताकि हमारा समाधान सरकार निकाले। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो नेता हैं, विधायक कह सकते हैं, जो भी हैं, उनसे आप मिले, कोई बातचीत हुई हो? देखो, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके संज्ञान में भी हमने डलाया था, लेकिन उस पर कोई उन्होंने मतलब ध्यान नहीं किया, और नहीं अभी तक हमारी कोई इस चीज़ को आगे तक लेके गए हैं, नहीं हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार तक भी अभी तक ये चीज़ हमारी पहुंचाई नहीं। देखो, जिस प्रकार से एक भाई ने मेरे को बताया था कि पहले कांग्रेस सरकार थी 12-13 में, उसके बाद बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी सरकार आई तब भी नेता आपके पास आए होंगे वोट मांगने के लिए मेरे हिसाब से, और फिर से 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 5 साल बाद इलेक्शन लड़ने के लिए फिर आए होंगे, तो आप लोगों ने उनके सामने उस समय ये मांग रखी थी या नहीं? देखो, पीछे सरकार की जो था हुड्डा सरकार थी, उसमें भी हमें अपनी मांगे रखी थी, लेकिन उस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने सरकार बदल दी यहाँ पे। अब हमने ये सोचा कि अगली सरकार आएगी, शायद हमारा काम करेगी, लेकिन अगली सरकार को भी हमने ज्ञापन दिया है, उनको बताया, लेकिन अभी ये सरकार भी प्रेजेंट में जो बीजेपी भाजपा की सरकार है, उन्होंने भी अभी किसानों की समस्या को जो कि तो बना के रखा है। जी, अभी सरकार से क्या मांग है हमारी? देखो, एक किसान की मांग नहीं है, हमारे 16 गांव के जितने भी किसान हैं उनकी सभी की मांग है, भाई हमारा भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, हमारी खेती बाड़ी पे सब निर्भर है, और उस चीज़ को सरकार हमारी जो ये मांगे है नहर की, वो अपने संज्ञान में डाले और इस चीज़ को अवेलेबल कराए, और ये हमारी यही मांग है फिलहाल है, भाई ये 16 गांवों की जो पानी की समस्या बनी हुई है उसको मतलब पानी किसानों को दिया जाए। तो साथियों, जिस प्रकार से पीछे भीड़ आप देख रहे हो, 16 गांवों के लोग यहां पे इकट्ठा होंगे और उनके सुझाव हम ले रहे हैं कि किस प्रकार से 2012-13 से अब तक जो परेशानी लगातार चली हुई है उसका निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो तब सबसे पहले राम राम। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि जिस प्रकार से दो भाइयों ने बताया है कि 12-13 से पानी की समस्या चली हुई है, इस पे आप क्या प्रकाश डालेंगे, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ से विधायक बन करके आता है जी, वो हमारा आश्वासन देता है हमारे को कि आपका ये काम होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। उसने आश्वासन दिया, भाई मैं यहाँ करवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो, वोट ले लिए, दोबारा ले लिए, तिबारा भी ले लिए, काम हुआ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये अपील है हरियाणा सरकार से कि हरियाणा में सभी जगह कहीं छोटा नाला कहीं बड़ा नाला आया हुआ है, तो इन 16 गांवों ने क्या कसूर कर दिया हरियाणा सरकार का, भाई जो हमें पानी बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा। 16 गांवों के छोड़ो, अब महेंद्रगढ़ ने क्या कसूर कर दिया, उसका नाम बदलने वाला है, ये भी गलत है। हम तो चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ का नाम न बदल के नारनौल का बदला जाए कोई। भाई नारनौल के साथ कुछ भी करो, अपने को क्या मतलब है? नहीं तो फिर महेंद्रगढ़ का क्यों बदला जाए? वो तो अभी कल परसों आए थे डॉक्यूमेंट्स, वो बदलने वाला है, तो क्या करोगे आप उस पर भी? उस पर भी भाई हम तो जो है नाराज है, आंदोलन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात किसानों की ओर बताऊँ मैं आपको, परसों में गया था अनाज मंडी में, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर तक ब्रह्मदेव चौक तक लाइन लगी हुई थी, और वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, तहसीलदार जो भी होते हैं वो कोई नहीं था, 8 बजे का समय था, 1:30 बजे आए थे, उसको क्या कहोगे? ये प्रशासन बिल्कुल लूज है, और ये जो है खट्टर सरकार भी कामयाब नहीं हुई हरियाणा में। वहाँ पे तो एक आड़ती था, नाम मेरे को याद नहीं है, वो बोला मैं 40 साल से बीजेपी का समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी को छोड़ दिया, आगे से मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, और सरकार भी नहीं आएगी, तो क्या कहोगे आप? वोट तो हम भी नहीं देंगे।
पक्की बात है? पक्की बात है जी। तो अब आप वोट किसको दोगे फिर? वोट जो काम करेगा ना, और जिसने पीछे कोई काम किए हैं, हमें विश्वास है कि ये फिर भी करेगी सरकार, उसको वोट देंगे। तो मेरे हिसाब से अपने महेंद्रगढ़ एरिया में दो ही नेता हैं, तो दोनों में से कौन काम कर रहा है? अब दान सिंह के पास जाएं तो वो कहेगा मेरी सरकार नहीं है, इसके पास जाएं तो ये कहेगा मैं जो है मौजूदा विधायक नहीं हूँ। हमारा तो जीरो काम होना नहीं है, काम होना इनका रुकना नहीं है, इनके काम का ही रहना है। तो आगे अब चुनाव होगा 4 साल बाद, तो इन दोनों में से किसी को चुनोगे या कोई तीसरा आएगा? देख लेंगे, कोई नया कैंडिडेट बढ़िया आता है तो इन दोनों को छोड़ भी देंगे। पक्की बात है? हाँ पक्की है। तो अभी जो हालिया विधायक हैं और सरकार बीजेपी की और इसकी जेजेपी की सरकार गठबंधन की चली हुई है हरियाणा में, तो आप उनको क्या कहना चाहोगी, हमारा क्या निवारण किया जाए? भाई किसान की सुनवाई होनी चाहिए, कहीं नहीं हो रही। हाँ, कहीं भी नहीं हो रही, प्रशासन नहीं सुन रहा, सरकार भी नहीं सुन रही, और ये सभी को पता है कि ये 16 गांव पानी से वंचित हैं। और मैं और किसी की तो ये सब बताएंगे, लेकिन मैं मेरी बताता हूँ। मैंने बोरों पर 35 लाख रुपया खर्च कर दिया, उसमें 13 बोर हुए हैं, और 13 में से जो है ना 5, 6 और 3 के बीच की कीमत के बोर हैं, वो 3 लाख से कम नहीं है, 5 तक फिर और ऊपर। मैंने बताया था 5 के लगभग ही खर्चा लगता है एक बोर में। बिल्कुल, बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ, 35 लाख रुपया नहीं मैं लगा करके भी असफलता है। मतलब सरकार ये चाहती है कि इन 16 गांव के किसान पानी के बिना रहें और कृषि करें, अगर कुछ भी नहीं होता तो फांसी खा के मर जाएं। हाँ बस यही है, यही है मेन मकसद, यही है। तो सरकार से अब आप क्या कहोगे, भाई हमारा कुछ करना है या नहीं करना है, हम क्या करें? हाँ ये तो हमारी मांग है भाई, ये पानी वाली सुविधा तो कम से कम दो। ये आपकी मांग तो पिछले 8 से 10 साल से है, अब 10 साल से काम नहीं हुआ, आगे क्या करोगे वो बताओ? आगे आंदोलन करेंगे, अगर ये नहीं सुनवाई हुई तो हम महेंद्रगढ़ भी जाएंगे, चंडीगढ़ तक भी जाएंगे। कितने दिन बाद करोगे? अभी देखते हैं इसका जो आज वाली का क्या उत्तर आता है। उत्तर तो 8 साल से नहीं आया, तो आज क्या आएगा? आज नहीं आएगा। जब तक आप कहीं नहीं जाओगे ना इकट्ठे होके, एक दो जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक 16 गांव के लोग इकट्ठे होके वहाँ नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होना। हम संगठन बनाएंगे सभी गांवों में जा करके। मतलब 8 साल से बनाया नहीं है? अब तक ऐसी हमने नहीं ली, क्यों? ये नेताजी जो है ना आश्वासन देते रहे, अब की बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। तो अब संगठन बनाओगे जी? इधर आ जाओ जी, इधर तो पता ही होगा। हाँ बताओ जी मुझे। मंडला गाँव मंडियाली कांड में मंडला गाँव मतलब पूरे देश में फेमस हुआ है। अच्छा। और ये मजबूर होगी पब्लिक इधर की। अच्छा। वो ही कांड फिर दोबारा से करने के लिए, अगर ये नहर वाला मुद्दा सरकार ने नहीं उठाया, नहीं सोचा ना, तो ये मंडियाली कांड फिर दोबारा से वही धरना और वही प्रदर्शन फिर शुरू हो जाएगा। गलत मत समझना मेरी बात को, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप क्या करते हो वैसे? मैं यही हूँ गांव में जमींदार। जमींदार करते हो? 8 साल से आप कहाँ थे ये बता रहे कि 2012-13 में सरकार को कहा था, अब 8 साल से आगे नहीं किया आपने कुछ भी, तो आगे कब करोगे वो बताओ? भाई ऐसा है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ बिल्कुल। जब हम बाजार में कोई केड़े या अंगूर लेने जाते हैं तो कुछ अंगूर या केड़े खिंडे हुए नीचे पड़े रहते हैं, बिल्कुल, और लच्छा रहता ऊपर, और ऊपर वालों की कीमत कुछ अलग होती है, नीचे बिखरे रहते हैं, आधी होती है ना। तो अब थोड़ी सी एकजुटता, मतलब ये 5-7 गांव हैं सारे इकट्ठे होकर के इनको इस समस्या का पता चला है कि भैया एक्चुअल में अपना जल स्तर नीचे जा चुका। अब तक तो कहता किसी का 10 नजर चाले थी, किसी की 12 नजर चाले थी, अब न तो कनेक्शन मिल रहा, कनेक्शन डार्क जोन में करके बंद कर दिया, या तो कनेक्शन पहले ठीक था भाई 2 लाख रुपये दिए और कनेक्शन तत्काल में आया करता, 2 लाख रुपए देते 15 दिन में कनेक्शन हो जाता था। अब आज जिसने बोर कर लिया और जिसका 10-12 नजल का पानी हो गया, 5 साल कनेक्शन को नहीं मिला, 5 साल पीछे वो बोर तो फिर नीचे वही 7 नजल फिर आएगी, फिर उसको कनेक्शन मिले, बताओ वो क्या करे? एक तो डार्क जोन में, डार्क जोन में ऊपर ले आने खातर के तो नहर दो, या आत्महत्या करने की स्थिति आ चुकी है हो गया जी हरियाणा में। मतलब ये हमारा एरिया 5-10 गांव का ऐसा मिलेगा जब पहली बार किसान आत्महत्या करेगा मजबूर होगी, और ऑप्शन ही नहीं, क्या करे खाली। सरकार से बता रहे कि आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर है, हर जगह किसान को नीचा दिखाया जा रहा है क्योंकि कहीं भी काम नहीं हो रहा, अधिकारी समय पे आ नहीं रहे और यहाँ पे अधिकारी सुन नहीं रहे, वोट आते हैं लेके चले जाते हैं, काम हो नहीं रहा है। तो साथियों आपकी क्या राय है जरूर बताएं मुझे भी, और जो पीछे यहाँ पे भीड़ बैठी है, और ये कल यहाँ इससे दुगनी होगी, फिर 4 गुनी होगी, और ये पूरा मंदिर ये गांव भर जाएगा, और फिर आंदोलन होगा, सरकार को
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये अच्छा इसी में है, भलाई इसी में है कि अच्छे तरीके से बिना कुछ किए इसी काम को अंजाम दिया जाए, जिससे इन किसानों की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो चुकी।